मनी लॉन्ड्रिंग कानून भी ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। मुल्क को गैस देने वाला बलूचिस्तान का इलाका पत्थर के दौर में है। तालीमी निजाम में तफरीक तरक्की की राह में रुकावट है। मुल्क में गरीबों को ऊपर लाना हमारा विजन है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 4G और 5G के जरिए राब्तों का निजाम बेहतर बनाएंगे। डिजिटल पाकिस्तान अब हमारा मुस्तकबिल है, हमें अभी बहुत काम करना है। जब डेवलपमेंट अनइक्वल होती है, इंसाफ के ऊपर नहीं होती, उसके अंदर फिर एक दुनिया को भी माशरे को भी उसके असरात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिस्टम रहा है। तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया। 60s के अंदर पाकिस्तान, मैं लोगों को याद करवाता हूँ कि सारे खित्ते में सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा था, दुनिया मिसाल देती थी पाकिस्तान की। हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने, हमारे जो प्लानिंग की गई वो सिर्फ एक एलीटिस्ट कल्चर, एलीट कैप्चर, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। कनेक्टिविटी हम सब जानते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लाने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी, 4G और इंशाल्लाह आगे 5G, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो कोविड के दौरान हमने जो वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम शुरू किया TV के ऊपर लोगों, ये कैच ऑन कर गया। और ये हमें भी इससे अब आइडियाज़ मिला है कि उन इलाकों पे जिधर हम अच्छे स्कूल्स या टीचर्स नहीं भेज सकते, रिमोट इलाकों में, उधर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम।